आदाब। पिछले 4 सालों से ऐसे कई बड़े बड़े मुद्दे हैं जिनको लेके जम्मू कश्मीर में बहुत गर्मा गर्म बहस हो रही है, चाहे वो आर्टिकल 370 हो, नॉर्मलसी हो या इलेक्शंस हो। लेकिन इन बड़े बड़े मसलों में एक बहुत पेचीदा इश्यू है जो कहीं छुप गया है, और वो है जम्मू कश्मीर के नौजवानों के फ्यूचर के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है। शायद यहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी यही चाहती है कि हम बड़े बड़े मसलों में फंसे रहें, उलझे रहें और इस इश्यू को नजरअंदाज करते रहें। जहां पर भी यूथ होती है वो एक अलग ही जज्बे से आगे बढ़ना चाहती है, और हर एक माँ बाप की यही कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम दे ताकि उनका मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर ब्राइट हो। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, यहां पे हालात की वजह से कभी भी प्राइवेट सेक्टर उभर नहीं पाया, जिसकी वजह से हमारे नौजवानों का सिंगल पॉइंट ऑफ फोकस हमेशा से सरकारी नौकरियां ही रहा है। जब आप यंग होते हैं तो आप कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं और आप ये होप करते हैं कि उस मेहनत का फल आपको किसी ना किसी दिन जरूर मिलेगा। अगर कोई आपसे पैसे उधार लेता है तो वो पैसे आपको सूद समेत वापस कर सकता है, लेकिन आपका वक्त एक ऐसी कीमती चीज है कि कोई चाह के भी आपको वापस नहीं लौटा सकता। और पिछले 4 साल से जानबूझ के जम्मू कश्मीर के नौजवानों का कीमती वक्त जाया किया जा रहा है, क्योंकि 2019 से यहां जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई है उन सब में दांधलियां हुई है, और यहां के नौजवानों का वक्त जाया करना एक बहुत बड़ा जुर्म है। जो यहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव JKS कैडर भी है, उन ऑफिसर्स को भी 2019 के बाद बिल्कुल साइडलाइन किया गया है। तो क्या हम ये समझें कि रिक्रूटमेंट में भी जो दांधलियां की जा रही हैं वो जानबूझ के किए जा रही हैं ताकि जम्मू कश्मीर का नौजवान बेबस, बेरोजगार होके, परेशान होके ड्रग्स और डिप्रेशन की तरफ चला जाए? पिछले 10 महीने से JEE और सब इंस्पेक्टर के रिजल्ट्स भी डिक्लेयर नहीं किए जा रहे। पहले से ही यहां के नौजवान बार बार उसी इम्तिहान के लिए पढ़ते हैं, उसको पास करते हैं। ऊपर से 4 साल से फिजिकल फिटनेस टेस्ट प्रूव करना उनके लिए मुश्किल ही नहीं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा जुल्म है। जहां तक सियासत का सवाल है तो इलेक्शंस होते रहेंगे, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन जम्मू कश्मीर के नौजवानों का जो वक्त जाया हो रहा है वो आखिर कौन वापस लौटाएगा?